विदेश मंत्री पुणे में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया, लेकिन लगे हाथ राहुल गांधी पर नाम लिए बिना तीखा हमला भी बोला। अगर कुछ जमीन की बात करते हैं, ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी, मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँ, मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं कुछ। कुछ साल पहले राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके हवाले से दावा किया गया था कि जब डोकलाम में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तब राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से गुप्त मुलाकात की थी। हालांकि तब शुरुआती दौर में कांग्रेस ने ऐसी खबरों का खारिज भी किया था। आमतौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनीतिक बयानबाजी से बचते दिखते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सीधा और करारा बयान दिया है।